Double takedown. सो हेलो गाइस, मैं उत्कर्ष एफएफ एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि रैंडम प्लेयर के साथ सीएस रैंक मैच कैसे जीता जाता है, क्योंकि रैंडम प्लेयर के साथ ही रैंक पुशिंग करके मैंने हीरोइक 2 स्टार लगाया है सीएस रैंक में। एंड इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, टिप्स बताने वाला हूं और सीक्रेट ट्रिक्स बताने वाला हूं जो कि आपको हेल्प करेगा नूब लॉबी लाने में सीएस रैंक में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी चीज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उसका रिजल्ट कुछ आपके सामने ही दिख रहा होगा। यहां पर आप लोग सभी मैच तो सीएस रैंक में रैंडम प्लेयर के साथ तो नहीं जीत सकते, बट मेरी टिप्स को फॉलो करने से आप लोग ज्यादा से ज्यादा मैच जीतोगे। जैसे कि यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा, मैंने 7 मैच खेला है जिसमें से सिर्फ 2 मैच आ रहे हैं, बाकी सारे मैचेस जीता हुआ हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो गोल बता देता हूँ। सो इस वीडियो पे आप लोग 500 लाइक्स करने वाले हो एंड 200 कमेंट्स करने वाले हो, तो फटाफट से कंप्लीट कर देना। चलो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे एक एप्लीकेशन के बारे में पता चला है जो स्पिन करने में बहुत सारा पैसा दे रहा है। तो आपको प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना है रोजविन। यहाँ पर आपको साइन अप करते ही 50 रुपए का बोनस मिल जाएगा एंड यहाँ पर डेली यूजर्स तो 10,000 तक जीत रहे हैं। और जब मैंने अपने जीते हुए पैसे को विड्रॉल किया, मेरे बैंक में इंस्टेंट पेमेंट रिसीव हो गया। और हाँ, इस ऐप पे आपको फर्स्ट टाइम डिपॉजिट पर 100% बोनस मिलता है। तो जल्दी से जाओ डाउनलोड करो रोजविन, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है। तो सबसे पहले हमें सही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को चूज करना होगा। अब यहाँ पर मैंने कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो यहाँ पर जो मैंने कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगाया है वो आप लोग देख लो। अगर इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में डीप में जानना है देन आप वो वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो अब हम करते हैं मैच को शुरू। तो अब मैं आपको ऐसी ट्रिक बता देता हूं जिससे कि आपके सामने आप ही के लेवल के बंदे आएंगे या फिर आपसे नीचे यानी कि नूब प्लेयर्स आएंगे। तो आपको जब भी मैच को स्टार्ट करना है ना, आपको सोलो में रह के सीएस रैंक मैच को स्टार्ट करना है। अब सोलो में स्टार्ट करने से फायदा ये होता है कि आपके सामने ऐसे प्लेयर्स आएंगे जिनके खुद के पास स्क्वाड नहीं होती है एंड वो भी रैंडम प्लेयर के साथ ही खेलते हैं। अब अगर ऐसे प्लेयर्स आपके अपोनेंट में आएंगे तो आपको कैसे खेलना है, अब मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बार अपोनेंट दिखा देता हूं कि उनकी टीम में कौन कौन आया है। यहाँ पर देख सकते हो अवतार बैनर से ही आपको पता लग रहा होगा कि कैसे प्लेयर्स आए हुए हैं। तो जैसे ही पहला राउंड स्टार्ट होना, आपको गन के लिए G18 को खरीद लेना है। यहाँ पर M500 बिल्कुल भी मत लेना क्योंकि ये धोखा देती है एंड फर्स्ट राउंड जीतना सीएस रैंक में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर मैच स्टार्ट हो गया है एंड मैं अभी यहाँ पर सबसे पहले क्या करूंगा, टीममेट्स के आसपास रहूंगा एंड एनिमी जैसे ही दिखेंगे मैं उस पर फायर देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर एक टीममेट हमारा नॉक हो गया है बट मैं यहाँ पर लेफ्ट वाले एनिमी को मारने का पूरा ट्राई करने वाला हूँ, बस वेट कर रहा हूँ कि वो एनिमी आ जाए। अब वहाँ पर मेरे टीममेट को रिवाइवल मिल रहा है, ये रहा एनिमी, देखो मैंने इसे बहुत इजीली नॉक कर दिया है एंड इसने मुझे अभी एक भी बार डैमेज भी नहीं कर पाया। अब मैं पीछे की साइड में आता हूँ, एक और एनिमी दिखता है जिसे मैं बहुत इजीली हेडशॉट मार देता हूँ एंड उसके बाद कवर में जाता हूँ एंड फिर इसे फिनिश भी कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमने 2 किल स्टार्टिंग में ही निकाल ली है, एक टीममेट हमारा और नॉक हो गया। अब मैं यहाँ पर चाहता तो रश कर देता बट सबसे पहले अपने आप को हील करूंगा क्योंकि मैं अकेले ही खेलूंगा तभी ये राउंड को जीत पाऊंगा क्योंकि मेरे सारे टीममेट्स नॉक हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक टीममेट नॉक हुआ था, उधर ही मैंने ग्रेनेड फेंका तो एक और एनिमी डैमेज होता है, उसके बाद मैं उसे 3-4 गोली मार के नॉक कर देता हूँ। लास्ट वाला एनिमी मेरे को इस तरफ दिखता है एंड यहाँ पर देखो पहले राउंड में ही हमने क्वाड्रा कर लिया है रैंडम प्लेयर्स के साथ खेल के। सो आई होप फर्स्ट राउंड देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अगर रैंडम प्लेयर के साथ खेलना है ना देन आपको ऐसे खेलना है जैसे कि आपके अलावा पूरी टीम हार जाएगी एंड आपको MVP बनने का ट्राई करना है। इससे आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे अपने हर एक मैच में। अब यहाँ पर मैं MVP बनने का ही ट्राई करूंगा पूरे मैच में। यहाँ पर सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है, गन में मैंने MP5 और एक ग्लूवल खरीदा एंड 700 टोकन मैंने बचा लिए। मैं यहाँ पर वेस्ट हेलमेट भी खरीद सकता था बट यहाँ पर 700 टोकन बचाने से मेरे को आगे आने वाले राउंड में अच्छी गन्स खरीदने में प्रॉब्लम नहीं होगी एंड मेरे पास MP5 है, वेस्ट हेलमेट नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर खुद को कवर में रख के खेलने वाला हूँ जिससे कि एनिमी मेरे को ज्यादा डैमेज ना दे सके, इसीलिए मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड से फ्लैंक करने लगा। अब यहाँ पर मैंने स्ट्रेटजी भी ये बनाया था कि मेरे सारे टीममेट राइट से गए हैं एंड मैं लेफ्ट से घूम के जाऊंगा तब मेरे को कोई भी एनिमी नहीं मार पाएगा, बट एक टीममेट अपोनेंट टीम का भी फ्लैंक करता है एंड मैं उसे थोड़ा सा डैमेज देता हूँ एंड यहाँ पर मैं कवर बाई कवर जाता हूँ एनिमी के पास में एंड यहाँ पर मैं एनिमी को स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ एंड जैसे ही मुझे एनिमी दिखता है मैं यहाँ पर वुकोंग बन जाता हूँ। वुकोंग बनते ही वो एनिमी कवर छोड़ता है, थोड़ा सा मैं डैमेज कर देता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर होल्ड करता हूँ एंड फिर अचानक से एनिमी के ऊपर रश कर देता हूँ एंड फिर इसे हेडशॉट से नॉक कर देता हूँ। अब इस तरीके से मैंने इस एनिमी को बहुत इजीली फिनिश कर दिया है एंड उधर देखो राइट साइड में मेरे सारे टीममेट मर गए हैं, एक ही टीममेट बच रहा है एंड एक एनिमी भी बच रहा है। तो फिर मैं फटाफट से अपने टीममेट के पास जाने की कोशिश करता हूँ बट यहाँ पर ड्रॉप होता है तो ड्रॉप भी लूट लेते हैं एंड यहाँ पे मेरे को ग्रेनेड मिल जाता है
जाता है तो मैं यहाँ पर ग्रेनेड करता हूँ एंड जैसे ही मेरा टीममेट कूद जाता है मैं समझ जाता हूँ कि वो एनिमी राइट साइड पे आ गया है। फिर इसे बहुत ही तगड़ा वाला हेडशॉट मारता हूँ एंड फिर इसके ऊपर रश कर देता हूँ, क्योंकि ये एक ही गोली का बच रहा था तो इसके ऊपर रश करने से मेरे को बहुत इजीली किल मिल गया। और क्योंकि मेरे यहाँ पर दो टीममेट नॉक हुए हैं तो मैं यहाँ पर लॉन्ग रेंज गन को छोड़ के मैं MP5 एक और उठा लेता हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने टीममेट्स को अगले राउंड में MP5 दे दूंगा एंड मेरे टीममेट ही मेरा सपोर्ट करेंगे आगे चल के। अब ये चीज आपको भी जरूर से करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई अपने रैंडम टीममेट्स को सपोर्ट नहीं करना है, बट ऐसा नहीं है। आप लोग अपने रैंडम टीममेट्स को सपोर्ट करोगे तभी आप लोग हर एक राउंड को जीत पाओगे। यहाँ पर टोकन सेव करने से मैं अपने वेस्ट को भी अपग्रेड कर लिया हूँ। अब यहाँ पर मैं शॉर्ट रेंज में बहुत ही खतरनाक गेम प्ले कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास अच्छी वेस्ट है एंड अच्छे गन्स भी हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको अपने रैंडम टीममेट्स के आसपास ही रहना है, इसीलिए मैं यहाँ पर राइट साइड में मेरे टीममेट्स के साथ ही था। बल्कि मैं यहाँ पर राइट साइड पे खेलता नहीं हूँ, बट मेरे टीममेट्स जा रहे थे इसलिए मैं यहाँ पर चला आया। अब यहाँ पर मैं बार बार बचा हूँ भाई ड्रॉप से, वरना मैं तो यहाँ पे खत्म ही हो जाता, बट कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखो मेरे साइड में सारे टीममेट्स आ चुके हैं। अब फिर थोड़ी देर बाद हम जैसे ही आगे आते हैं यहाँ पर हमारा एक टीममेट नॉक हो जाता है एंड फिर मैं मिनी मैप में देखता हूँ तो सभी एनिमी लेफ्ट साइड से रोटेशन लेके आए हुए थे एंड यहाँ पर हमारा एक और टीममेट नॉक हो जाता है एंड मेरे पास होता है ग्रेनेड। तो मैं यहाँ पर आता हूँ एंड फिर ग्रेनेड कुक करके फेंक देता हूँ। एक एनिमी को तो टीममेट ने नॉक कर दिया एंड यहाँ पर दो एनिमी काफी ज्यादा डैमेज हो गए, जिसमें से एक एनिमी नॉक हो जाता है एंड एक एनिमी काफी ज्यादा डैमेज होता है। एंड जैसे ही मैं रश करता हूँ मेरे टीममेट ने लास्ट वाले एनिमी को भी फिनिश कर दिया एंड इस तरीके से हम लोग ये राउंड को भी जीत गए। तो देखो साथ में रहने से हमने तीन एनिमी को बहुत इजीली फिनिश कर दिया एंड मैंने अभी तक अपना माइक एक भी बार ओपन नहीं किया। तो स्टार्टिंग में ही काफी ज्यादा टोकन मैं सेव कर ही रहा था, जिसकी वजह से फोर्थ राउंड में मेरे पास काफी ज्यादा टोकन हो जाता है। अब यहाँ पर मैं किसी भी गन का लेवल अप कर सकता हूँ एंड देखो मैं MVP बनने के चक्कर में अच्छा खासा खेल पाया एंड जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर 3-0 का स्कोर कर चुके हैं अभी तक। अब मैं यहाँ पर अपने गन का लेवल अप कर लेता हूँ एंड फिर इस राउंड को खेलते हैं। अब ये राउंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एक सीक्रेट बात बता दूं कि भाई लास्ट राउंड में ना जो रैंडम टीममेट्स होते हैं ना वो अच्छा परफॉर्मेंस देने की पूरी कोशिश करते हैं। सो इसीलिए आपको ना ट्राई करना चाहिए लास्ट राउंड में कि अपने टीममेट्स के साथ रहो और थोड़ा सा लॉन्ग रेंज से उन्हें कवर देने की कोशिश करो, चाहे आप लॉन्ग रेंज से कवर दे सको चाहे शॉर्ट रेंज से, बट कवर उन्हें देने की कोशिश करो। इसका एडवांटेज आप लोग अभी देखने वाले हो। ये आया एनिमी, इसे मैंने नॉक कर दिया है। देखो यहाँ पर मैंने एक एनिमी नॉक कर दिया है एंड एक टीममेट भी हमारा नॉक हो चुका है, सामने की ओर जा रहे हैं। एक और एनिमी आता है, मेरे टीममेट को नॉक कर दिया, वोकोंग बन के इसे बचाता हूँ। रश आ रहा है, ओके रश आया, इसे मैंने काफी डैमेज कर दिया क्योंकि मेरे पास टीममेट था तो मेरे टीममेट ने कवर दिया मेरे को एंड यहाँ पे मैं बच गया एंड एनिमी खत्म हो गया। अब मैं अपने टीममेट को रिवाइव दे देता हूँ एंड उस टीममेट पे रश आ गया है तो मैं फटाफट से यहाँ पर रश करने वाला हूँ सामने की साइड में। सामने है बंदा, बहुत ही खतरनाक हेडशॉट, इसे नॉक कर दिया है। लो भाई हमारे टीममेट ने भी लास्ट वाले एनिमी को फिनिश कर दिया है एंड इस राउंड को हम लोग जीत के बूया ले चुके हैं। नो अभी मैं आपको एक बार प्लस दिखा देता हूँ कि हमें प्लस कितना मिला है। पहले मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जिससे कि मैं थंबनेल वगैरह बना सकूं। ओके सो अभी आप लोग मेरे को कमेंट में ये बताओ कि आप लोग का अभी के टाइम पे CS रैंक में रैंक कितना है। बाकी यहाँ पर देखो हमने MVP के लिए ट्राई किया था, अच्छा गेम प्ले के साथ में हम MVP भी बन गए एंड अगर आप भी हर एक मैच में हर एक राउंड में MVP बनने की कोशिश करोगे ना देन आपका गेम प्ले बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। आप अपना अच्छा गेम प्ले दे सकते हो हर एक मैच में एंड फिर आप MVP बन भी जाओगे एंड मैच भी बहुत इजीली जीत जाओगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं सो डू सब्सक्राइब एंड हाँ रोजविन ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो ₹50 का बोनस भी मिलेगा एंड अगर आप फर्स्ट डिपॉजिट करते हो देन आपको 100% का बोनस मिलेगा। तो जल्दी से जाओ डाउनलोड करो और ढेर सारा पैसा जीतो। बाकी आपके सामने लेफ्ट वाली वीडियो आ रही होगी जिसमें मैंने वुकोंग के साथ परफेक्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताया है एंड गेम प्ले कैसे करना है वो भी बताया है एंड राइट साइड में आपको एक ऐसा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन वाला वीडियो दिख रहा होगा जिसमें आपके रोल के हिसाब से कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मैंने बताया है। सो आप लोग वो दोनों वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको उस वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।